सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 6 दिसंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको न्यूज अपडेट प्रोवाइड करता हूं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो आईपीओ है 1 से 3 दिसंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 443 से 453 रुपए के बीच इसका प्राइस रखा गया था, यानी 453 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था। अब देखिए, अलॉटमेंट की बात करें तो इसका अलॉटमेंट 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो यह आईपीओ करीब 13 दिसंबर को मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 350 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 453 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 350 रुपए के प्रीमियम के साथ यह आईपीओ करीब 803 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से प्रीमियम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसका हाईएस्ट प्रीमियम करीब 420 रुपए के आसपास हुआ करता था, और वहां से आप देख सकते हैं लगातार गिरावट के साथ यह प्रीमियम 350 रुपए तक आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निचले स्तरों से देखा जाए तो इसमें अच्छा खासा उछाल अभी भी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो इसका प्रीमियम मात्र 120 रुपए के आसपास था, और वहां से अच्छे खासे उछाल के साथ ये करीब 3 गुने के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मार्केट में माहौल जो बना हुआ है प्रेशर का है, और आज के दिन ही आप देख लीजिए निफ्टी में करीब 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रही है, और उसी के कारण जितने भी आईपीओ हैं सभी के प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा आईपीओ था, इसीलिए यहां पर अभी भी आप देख लें करीब 80% के आसपास यहां पर प्रीमियम अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी भी यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आप काफी अच्छे प्रॉफिट में यहां पर हैं। अगर आपको यह आईपीओ अलॉट होता है तो निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर लिस्टिंग के दिन ये जो मार्केट है वो और अच्छा रहा, तो निश्चित रूप से ये जो 350 रुपए का प्रीमियम है, ये आपका जो प्रीमियम 450 रुपए में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये काफी बेहतरीन कंपनी है, और निश्चित रूप से कंपनी के जो फाइनेंशियल है पिछले कुछ सालों में काफी बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट किया है, और आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए तो ये आईपीओ है ही बेहतर। साथ ही साथ अलॉटमेंट के बाद अगर आप इसको होल्ड करके चलते हैं, या फिर आपको अलॉट नहीं होता है और सही प्राइस पर आप इसको खरीद कर होल्ड करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी आपको काफी बढ़िया रिटर्न यहां से मिल सकते हैं। तो देखिए, ये अपडेट थी इस आईपीओ से रिलेटेड, और जैसे ही यहां पर और भी अपडेट आती है या किसी भी आईपीओ से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।